नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 12 शुरू करने जा रहे हैं। परंतु 12 अध्याय शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे अच्छे से समझिए, उसके बाद ही हम 12.1 एक्सरसाइज शुरू कर पाएंगे। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और यहाँ पर एक बिंदु है O। ये हो गई OA, वृत्त की त्रिज्या R। तो इसके हिसाब से वृत्त का परिमाप, बच्चों आशा करता हूँ आपको पता होगा कि परिमाप होता है घेरे की लंबाई। तो इसी प्रकार से ये एक वृत्त है, तो इसके घेरे की लंबाई का मतलब है, यानी मैं यहाँ से एक धागा इस वृत्त के ऊपर इस प्रकार से लपेटना शुरू करूँ यहाँ तक और यहाँ वापस तक, तो ये धागे की जो कुल लंबाई होगी वह होगी इस वृत्त का परिमाप, यानी इस वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिमाप निकालने के लिए बच्चों जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2πr। ये है वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, तो वृत्त की परिधि का या वृत्त के परिमाप का जो सूत्र है वह है 2πr। और बच्चों आपको ध्यान होगा पाई जो है इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। यदि आपको किसी प्रश्न में इन दोनों में से कोई स्पेसिफाई नहीं की गई तो आप हमेशा वृत्त पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि 3.14 लेनी है पाई की वैल्यू, तो उस क्वेश्चन में आपको 3.14 ही लेनी पड़ेगी। इस बात का बच्चों आपने खास ध्यान रखना है। तो ये सूत्र है वृत्त के परिमाप का, यानी कि इसके घेरे की लंबाई। और क्योंकि यह लंबाई है इसलिए यह मीटर में या सेंटीमीटर में होगी। ठीक है बच्चों, ज्यादातर यह मीटर या सेंटीमीटर में ही होगी। कोई छोटी वस्तु है तो सेंटीमीटर में होगी, जैसे किसी बाग में किसी बिल्डिंग की बात की गई या किसी बाग में क्यारियों की बात की जाएगी तो वो क्योंकि बड़ी यूनिट है इसलिए मीटर में होगी। इसी प्रकार से बच्चों आइए अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक वृत्त है और मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है ओ ए, और इस वृत्त का जो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह है आर। तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का मतलब बच्चों क्या है, यह जो वृत्त का अंदर वाला सारा हिस्सा है यह बनाता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त ने कितनी जगह घेरी है। ठीक है बच्चों, और वृत्त के क्षेत्रफल के लिए जो हमारे पास सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। यह आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, पाई आर स्क्वायर। फिर से पाई की वैल्यू आप लेंगे 22/7 या 3.14। यदि कोई स्पेसिफाई नहीं है तो 22/7 लेनी है, यदि किसी प्रश्न में दे दिया कि पाई 3/14 लेना तो आपको यही लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्षेत्रफल या मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये है वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। आइए अब हम इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले कुछ और प्रश्नों को इस प्रश्नावली के माध्यम से देखते हैं। आइए,